Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. Savitri Bai Phule Ji ki Janma Jayanti hai. Aur is Janma Jayanti ko manane ke liye, samajik stor se hamari behne aur hamari bandhu yahan Jyotiba Phule Ji ke statue ki yahan ekatrit hue hain. Savitri Bai Phule wo mahila thi jinhone उस जमाने में जब ये समाज अंधकार की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, अंधविश्वासियों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस समय उन्होंने प्रगतिशील विचार रखते हुए शिक्षा की ज्योत जलाई. ना केवल शिक्षा की ज्योत जलाई बल्कि उस समय के जो समाज कंटक लोग थे उन्होंने उनको अनन्य प्रकारों से प्रताड़ित किया. जब वो विद्यालय जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उनके वस्त्रों को कीचड़ फेंका गया उनके वस्त्रों पर वो नहीं डरी. और हिम्मत वाली वो महिला थी और वो अपने विचारों पर अड़िग थी. और उसी का परिणाम है कि उन जैसी महिलाओं के इस त्याग और तपस्या के कारण ही आज समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो पाया है. हमारे बालक शिक्षित हो रहे हैं और जो औपचारिक शिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं. ये कहा जाता है कि शिक्षा विवेक पैदा करती है, विवेकशील बनाती है व्यक्ति को, और यह विवेक ही उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है. तो वो हमारी ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले जी के ही प्रयास थे जिसके कारण से आज ये समाज इतना प्रगति कर पाया, उन्नति कर पाया. तो आज उनकी इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग उनको नमन करने आए हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उनके विचारों पर हम कुछ पल आगे बढ़ सके ये संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, ताकि वो वर्ष भर हमारे मन और मस्तिष्क में बना रहे, ताकि हम उनके विचारों के को आगे बढ़ाते रहे और उनके विचारों पर काम करते रहें. देशवासियों को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ. साथ में हमारे सावित्री बाई फूले की 189वीं जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के ऊपर शहर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं को जो महिलाओं में बदलाव लाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए हैं. आज हमारा यहाँ से पुष्पांजलि करने के बाद 11 बजे मालियान स्कूल 9 नंबर पेट्रोल पंप के ऊपर वहाँ पर हमने महिला का मेला के आयोजन रखा गया है, बाल प्रतियोगिताएँ रखी गई है और वहाँ पर हम लोगों ने शाम को 4 बजे विचार गोष्ठी रखी हुई है. और उस विचार गोष्ठी के हम लोग ये वहाँ करेंगे कि सावित्री बाई फूले के जिन आदर्शों पे हमारे को चलना है और जो आज की महिलाओं के लिए जो बदलाव लाना है, कई जगह जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा पर्यावरण को बचाओ पेड़ लगाओ, तो हमारा मेन उद्देश्य यही है और इसी विषय में हम लोगों ने विचार गोष्ठी की है. मैं सावित्री बाई फूले, राष्ट्रीय जागृति मंच जिला अध्यक्ष सुनीता चौहान.